हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और लगातार चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुड़की देवन लाइन के वीडियो को बहुत प्यार मिल रहा है, देख भी रहा हूँ मैं, और काफ़ी लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं। और लास्ट जो रेल बुलेटिन उन्होंने डाला था उसको भी काफ़ी लोग पसंद करते हैं। रेल बुलेटिन तो हमेशा से सीरीज ऐसी रही है, शुरुआत में थोड़ी ठंडी थी लेकिन अभी इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैनी थैंक्स टू ऑल, सबको बहुत 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 धन्यवाद। और अभी आज का रेल बुलेटिन के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी तक हम कवर कर रहे थे यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, फिर से हम जा रहे हैं बिहार में। एक और रेल बुलेटिन बिहार से जो बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग था, और इस बार लाइव सेशन में उसकी तीसरी बार डिमांड होती थी, तो मुझे लगा ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से बहुत और भी बहुत ज़्यादा डिमांड आ रखी है, काफ़ी लोग डिमांड करते हैं, उनकी वीडियो बहुत जल्दी आएगी। लेकिन आज बिहार की इस डिमांड का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रेल बुलेटिन है, रेल बुलेटिन नंबर 76, ठीक है, 76 नंबर रेल बुलेटिन में मैं आपको बता देता हूँ, ये रूट है हाजीपुर सुगौली। हाजीपुर सुगौली इतना पुराना ये रूट नहीं है, इतना पुराना ये डिमांड नहीं है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक तरह से बिहार को, पूरी तरह से इंटरनल बिहार को मेन बिहार से कनेक्ट कर देगा। हाजीपुर जो कि वैशाली जिले में पड़ता है, और सुगौली, सुगौली से आप सीधा पटना तक आ सकते हैं। पूर्वी चंपारण को एक तरह से वैशाली से ये अच्छी तरह से जोड़ देगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी बेसिक डिटेल, फिर इसमें क्या दिक्कत रही और अभी करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 171 किलोमीटर का सर्वे फर्स्ट टाइम हुआ, पहली बार 2004 में इसका सर्वे शुरू हुआ। 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर इसको अप्रूव किया गया। उसके बाद फिर से इसका सर्वे हुआ, तो इसमें अभी आज की डेट में इसका जो सर्वे है वो 148 किलोमीटर का है। 148 किलोमीटर के सर्वे के साथ साथ इसमें 2014 में जो सर्वे हुआ उसमें लगभग 30 किलोमीटर और घटा दिए गए, क्योंकि पहले कई बार ऐसा होता है कि जो ज़मीन नहीं मिल रही है उस वजह से सर्वे बढ़ गया, और कई बार ऐसा होता है कि बीच में बहुत बड़ी खाई हो, बहुत बड़ी नदी हो, उसको थोड़ा सा आगे घुमा के ले जाना पड़ा, तो उससे कई किलोमीटर का फर्क पड़ जाता है। तो पहले 2004 में 171 किलोमीटर, 2014 में जब सर्वे हुआ तो फिर 148 किलोमीटर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है लगभग 2000 करोड़, ठीक है, और 2000 करोड़ के आसपास। इसमें 2017 में काम शुरू हुआ है, 2017 में इसका भूमि अधिग्रहण सर्वे वगैरह सारे निपटा लिए गए हैं। अभी आज की डेट में इसका भूमि अधिग्रहण कार्य जो है लगभग 90% से ऊपर इसका हो चुका है। 171 इसमें पुल पुलिया होंगे, छोटे पुल पुलिया जो होते हैं, जिसमें कि 6 बड़े पुल हैं, ठीक है। अपने आप पे प्रोजेक्ट नो डाउट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये 148 किलोमीटर का। इसमें टोटल 15 स्टेशन होंगे, मैं आपको नाम गिना देता हूँ, सुगौली, हरसिद्धि, अरेराज, संग्रामपुर, राजपुर, केसरिया, साहिबगंज, हुसैनपुर, पारू, बखरा, सरैया, वैशाली, दाऊदनगर, लालगंज, सराय और हाजीपुर। हाजीपुर से लाइन जाके सीधा कनेक्ट हो जाएगी, सुगौली से शुरू होगी, ठीक है। समवेयर अराउंड में थोड़ा इसमें बिहार में के मामले में, बिहार के एरियाज में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि वैशाली हाजीपुर एक साइड पड़ते हैं, सुगौली शायद पटना साइड में पड़ता है आई गेस, मतलब एग्जैक्ट मुझे देखिए उसके जियोपॉलिटिकल का इतना आइडिया नहीं है, मैं उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ एरियाज के नाम को लेके। लेकिन हाँ, जब बिहार से मैंने ट्रैवल किया है तो तब मुझे अच्छे से धीरे धीरे सब याद आ जाता है कि हाँ, पाँक पटना गया, किऊल झाझा घूमो, ये सब मुझे याद आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है। सॉरी फॉर दैट अगर थोड़ा सा भी मिसकम्युनिकेशन रहा हो आपको, ठीक है। तो इसमें अभी जो इसको काम मिला है, ये टोटल सर्वे का काम कंप्लीट होके उसके बाद भूमि अधिग्रहण जो है राज्य सरकार देख रही है, भूमि अधिग्रहण लगभग पूरा हो चुका है। उसके साथ इसका कंस्ट्रक्शन जो है अरविंद टेक्नो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड इसको देख रही है, जिसको करेंटली अभी टोटल
1600 करोड़ रिलीज किए गए हैं, ठीक है। और अभी तक 2004 से इसमें जो अभी तक देरी हो रही थी वो केवल और केवल भूमि अधिग्रहण की हो रही थी। 2004 में ही ये प्रोजेक्ट पास हो गया था। आप इस प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस देखिए, 2004 में प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो गया था, संसद में पेश किया गया और हाथों हाथ अप्रूव भी कर दिया। ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस है इस रूट की, ठीक है। आज तक ऐसा कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं हुआ जो सीधे संसद में लाया गया हो और पास कर दिया गया हो। एक अकेले डेडिकेटेड फ्रिट कॉरिडोर के अलावा ये दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जो सीधे पास कर दिया गया, ठीक है। पूर्वी चंपारण और वैशाली जिला जो है इससे जुड़ेंगे, और इसका अभी मार्च 2024 में इसका शिलान्यास हुआ है। शिलान्यास जो है केसरिया स्टेशन के पास से हुआ है, और वहीं से ये लाइन होकर निकलेगी, वहीं से एक तरह से स्टार्ट होगी। केसरिया से भोपतपुर इसका फर्स्ट फेज होगा, तो केसरिया से भोपतपुर इसका फर्स्ट फेज लगभग 12 किलोमीटर के आसपास में ये छोटा सा स्ट्रेच रहेगा, और जिसकी कॉस्ट 90 करोड़, और टारगेट आने वाले 2 साल में इसको पहला फेज इसका कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अब ये देखिएगा कि इसमें स्टार्टिंग में सुगौली, हरसिद्धि और अरेराज, ये 3 स्टेशन आपको बनते हुए दिखेंगे। उसी के साथ साथ में इसमें और भी अगर डिटेल चाहिए होगी तो इसमें एक और आने वाले टाइम में, आने वाले कुछ टाइम में जैसे अपडेट हमको मिलती है उसमें एक और रेल बुलेटिन लेके आएंगे। फिलहाल ये रेल बुलेटिन है, और इसके आगे कोई अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डिमांड हो, कोई कमेंट हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कीजिए। कोई आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप सीधे लाइव सेशन में भी आ सकते हैं। हर संडे शाम को लाइव सेशन होता है 8 बजे। और इसी तरीके से नेक्स्ट रेल बुलेटिन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लाइव सेशन की तरफ चलते हैं, और अगले लाइव अपडेट की तरफ चलते हैं। देखिए तब तक के लिए आपका नमस्कार, और लगातार बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।